जिला सहकारी बैंक के सभापति विजय प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों के विकास को धरातल पर लाने के लिए देश के ऊर्जावान कठोर निर्णय लेने में महारत गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता विभाग को कृषि विभाग से अलग कर स्वतंत्र विभाग का मंत्री बनाया, तभी से सहकारिता के क्षेत्र में नित्य नए आयाम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता से आम जन को जोड़ने के लिए प्रदेश की सभी सहकारी समितियों को भी पैक्स के रूप में परिवर्तित कर भी पैक्स सदस्यता अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 2023 तक चलाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1 सितंबर को किया गया। सहकारिता को ऊंचाइयों पर ले जाने का बीड़ा प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर को दिया गया, जिसका उदाहरण ये था कि मंत्री एवं उनके कार्यालय द्वारा प्रत्येक दिन किसी भी समय किसी से भी फोन द्वारा स्थिति की जानकारी ली जाती रही। उन्होंने बताया कि मंत्री ने अपने कुशल नेतृत्व में से सभी कर्मचारी व अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए प्रदेश के लक्ष्य से अधिक पूर्ति समय से पूर्व कर लिए। जिला सहकारी बैंक गोरखपुर में 283 समितियों को 7,09,240 बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे बैंक ने समय से पूर्व 9,02,425 सदस्य बनाते हुए लगभग 2,10,00,000 रुपए अंशधन प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नाबार्ड एवं शीर्ष बैंक के माध्यम से सभी सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन का कार्य चल रहा है और समितियां व उनके सदस्यों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाएं यथा CSC, जन औषधि केंद्र, गेहूं धान खरीद केंद्र, DTS, उर्वरक ग्रेड वितरण तथा पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिया गया है। बैंक द्वारा 110 बी पैक्स को आपातकालीन सीमा एवं 15 बी पैक्स को उर्वरक ऋण देकर उनके सदस्यों को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। RKBY में चयनित समितियों के अतिरिक्त निष्क्रिय समितियों के साथ निष्क्रिय समितियां भी सक्रिय की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बैंक के संबंध में बैंक वर्तमान में 1 जनवरी 2023 से अपने खाता धारकों को लगभग 20 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है और सभी खाता धारकों को आश्वासन दिया है कि उनकी जमा राशि बैंक में सुरक्षित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला सहकारी बैंक के सभापति विजय प्रताप सिंह ने कहा, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया गया था, तो लक्ष्य हमको दिया गया था 79,240 और बनाया गया गोरखपुर में 92,425। तो इसके लिए पूरे प्रदेश में अभियान चला, केवल गोरखपुर का नहीं था, पूरे प्रदेश में चला था। और माननीय इसके पहले अमित शाह जी केंद्र में मंत्रालय नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री की सोच ऐसी हुई कि सरकारी जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर तक, हर व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे। इसके लिए उन्होंने केंद्र में सहकारिता विभाग बनाया, जिसके मंत्री माननीय अमित शाह जी बनाए गए। और उसके बाद ये अभियान चला। इसके लिए हमारे पूज्य महाराज जी पहली तारीख को उद्घाटन किए थे, बी पैक्स महाअभियान का उद्घाटन पूज्य महाराज जी ने किया था और कहा था महाराज जी ने कि सहकारिता सभी विभागों को, जो सहकारिता विभाग हैं उनको हर तरह के सरकार की जो भी सुविधा होगी वो सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब समितियों में भी कंप्यूटराइज हो, पहले तो बैंक ही नहीं था, अब समितियों में भी कंप्यूटराइज हो रहा है। बैंक तो कभी हो गया जब हम आए शुरू में, लेकिन अब समिति को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, ATM मोबाइल दिया गया है, तो सारी चीज़ें अब समितियों के माध्यम से हर घर तक पहुंचाने का सरकार की मंशा है। इसमें हमारे सहकारिता मंत्री जी पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं और पूरे प्रदेश का दौरा कर किए हैं, साथ ही साथ उन्होंने सबकी समीक्षा की है और सबको जागरूक किया है और कब किसको किस समय फ़ोन आ जाएगा उनका ये निश्चित नहीं था कि इसी नाते सब लोग लग करके मेहनत से और उस अभियान को सफल बनाने में हमारे मंडल के अधिकारी DR साहब, आपके जिला के AR साहब,
और उनके विभाग के लोग, एडीसीओ, एडीओ, सचिव और समिति के अध्यक्ष, सभी लोगों ने और बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी और बैंक मैनेजर दिन रात एक कर करके इस अभियान को सफल बनाया है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का भी इसमें सहयोग रहा है, उन्होंने सहयोग दिया है, इसलिए इस अभियान में हम लोग कामयाब हुए हैं और जो लक्ष्य था उससे ज़्यादा हम लोग सदस्य बनाए हैं। एक चीज़ और उसमें कि जो सदस्य अभियान चलाया गया, समितियां काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थीं, अब सभी समितियों को चलाने का है, तो सारी जो मेंबर बनाए गए हैं तो वो पैसे समितियों के खाते में जमा हुए, जो बैंक में जमा हुए, समितियों के नाम से आए हैं पैसे, समितियों के नाम से पैसे आए हैं और वो बैंक के खाते में 2,10,00,000 रुपया ये सदस्यता अभियान से प्राप्त हुआ है, जो समितियों का ये हिस्सा हुआ और मेंबर बने हैं समिति के माध्यम से ही। तो इसलिए समितियों को अब हम हर तरह से उनको लोन देंगे, केसीसी बटी रहा है, समिति के माध्यम से भी बट रहा है और बैंक डायरेक्ट भी दे रहा है, और खाद बीज जितनी भी संसाधन होंगे सारी चीज़ें आपके ATM मोबाइल दिया गया, वो चाहें तो वहीं बिजली का बिल जमा करें, वहीं रसीद दे दें, तो कंप्यूटराइज हो रहा है, तो उसमें हर चीज़ हर व्यक्ति को जानकारी हो जाएगी वहीं समिति पर ही, और सारा लाभ जो सरकार की योजनाओं का है वो हमारे गांव के हर व्यक्ति को जानकारी मिल जाएगी, वहीं अपने गांव के बगल में हर समिति से मिल जाएगी। हमारे माननीय मंत्री जी जो है, सहकारिता मंत्री जी, इसमें बहुत सक्रिय हैं और बहुत मेहनत किए हैं, उन्हीं के वजह से और महाराज पूज्य महाराज जी के कृपा से हम सभी लोग इसको कहना है तन मन धन से लग करके इसको काम को पूरा किए हैं।